हेलो एवरीवन, CUET PG 2024 का एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि आपको किस तरह से फॉर्म फिल करना है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मैं आपको समझाने वाला हूं, ताकि जब आप अपना एक्चुअल फॉर्म फिल करें तो उस समय आपको कोई डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े। तो पूरा डेमो मैं आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आपको CUET PG का फॉर्म फिल करना है। इसके अलावा CUET PG से रिलेटेड जो कुछ बेसिक डिटेल्स हैं, जो कुछ चेंजेस हुए हैं, वो सारे चेंजेस भी मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 26 दिसंबर को ये पब्लिक नोटिस रिलीज किया गया है, और इसमें आप जो सारी इंपॉर्टेंट डेट्स है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। जो आपके फॉर्म फिल करने की डेट्स हैं वो है 26 दिसंबर से लेकर 24 जनवरी तक, यानी कि 24 जनवरी 2024 तक आप अपने CUET PG का फॉर्म फिल कर सकते हो। मैं आपको अभी सजेस्ट करूँगा कि अभी आप 2-3 दिन रुक के फॉर्म फिल करो, क्योंकि अभी वेबसाइट स्टार्ट की गई है, ओपन की गई है। अभी हो सकता है वेबसाइट में कुछ एरर हो। इसके अलावा जो वेरियस आपकी यूनिवर्सिटी जैसे DU है आपका, उसका प्रोस्पेक्टस अभी आना बाकी है, तो उसके प्रोस्पेक्टस में वेरियस डिटेल्स होंगी, तो वो सारी डिटेल्स आप आराम से क्लियर कर लो, सारी इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर लो, उसके बाद ही आपको फॉर्म फिल करना है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप जल्दी फॉर्म फिल करोगे तो आपको कोई एडवांटेज मिलेगा, कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो आराम से आप 2-4 दिन का वेट करो, सारी इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर लो, सारी चीज़ें समझ लो, उसके बाद ही आपको फॉर्म फिल करना है। इसके अलावा फी पे करने की लास्ट डेट 25 जनवरी है, करेक्शन करने की लास्ट डेट 27 जनवरी से लेकर 29 जनवरी के बीच में है। सिटी इन्फॉर्मेशन आपको 4 मार्च को मिल जाएगी। इसके अलावा एडमिट कार्ड आपके 7 मार्च को आ जाएंगे। इसके बाद आपकी एक लिस्ट आएगी जिसमें वेरियस डेट्स मेंशन होगी कि किस सब्जेक्ट का एग्जाम किस डेट को है, किस पेपर कोड का एग्जाम किस डेट को है। बाकी एग्जामिनेशन डेट आपको पहले से पता है, 11 मार्च से लेकर 28 मार्च के बीच में आपकी एग्जामिनेशन डेट होनी है। आंसर की चैलेंज के लिए आपको 4 अप्रैल 2024 के आसपास आपकी आंसर की चैलेंज करने का ऑप्शन आपको दिया जाएगा। इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट चेंज इस बार किया गया है कि जो आपके एग्जामिनेशन का जो टाइम ड्यूरेशन होता था, पहले 2 घंटे होता था, इस बार जो टाइम ड्यूरेशन है उसको 15 मिनट घटा दिया गया। अब आपके एग्जाम का टाइम 1 घंटे 45 मिनट होगा, और जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते थे वो पहले 100 होते थे, अब आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 75। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस है जो इस बार जो CUET PG का एग्जामिनेशन है उसके अंदर किया गया। इसके अलावा जो वेबसाइट है आपकी वो भी चेंज कर दी गई है। इस बार जो आपकी वेबसाइट है वो है pgcuet.samarth.ac.in। इस वेबसाइट पर जाकर आपको अपना पूरा फॉर्म जो है फिल करना है। तो किस तरह से फॉर्म फिल करना है वो आप स्टार्ट कर लेते हैं हम, किस तरह से आपको सारी चीज़ें करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है, उसके बाद आपको साइन इन करके फॉर्म फिल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले रजिस्टर के ऑप्शन पे आपको जाना है। इसके अलावा बाकी सारे ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, इन्फॉर्मेशन, बुलेटिन, सिलेबस, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हो। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट डेट्स तो मैंने आपको बताई थी। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 1200 रुपये है, अगर आप अप टू 2 पेपर्स फिल करते हो। अब देखो CUET PG के अंदर आप मैक्सिमम 4 पेपर्स सेलेक्ट कर सकते हो, मैक्सिमम 4 कोर्सेज के लिए आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो अगर 2 कोर्सेज तक आप फिल करते हो तो आपको 1200 रुपये देने होंगे, उसके बाद आप जितने कोर्सेज ऐड करोगे 600 रुपये पर कोर्स आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। इसी तरह से OBC, NCL और EWS स्टूडेंट्स के लिए 1000 रुपये फीस है पर सब्जेक्ट के लिए, 500 एक्स्ट्रा। बाकी SC ST के लिए 900 रुपये फीस है पर सब्जेक्ट के लिए, 500 रुपये एक्स्ट्रा। PWBD के लिए 800 रुपये फीस है पर सब्जेक्ट के लिए, 500 रुपये एक्स्ट्रा। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। एक चीज़ जो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि आपका पेपर कोड क्या है, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप एग्जामिनेशन दे रहे हो उसका पेपर कोड आपको ध्यान में रखना है। बाकी बेसिक डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। एग्जाम ड्यूरेशन आपका 105 मिनट का होगा, यानी कि 1 घंटे 45 मिनट का। क्वेश्चन पेपर में आपके 75 क्वेश्चन होंगे, 75 क्वेश्चन, जो पहले 100 क्वेश्चन हुआ करते थे। एग्जामिनेशन का मीडियम क्या होगा, देखो जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे वो बायलैंग्वल होंगे, लेकिन जो लैंग्वेज के क्वेश्चन हैं, जैसे मान लो आपके इंग्लिश का क्वेश्चन है तो वो आपका सिर्फ इंग्लिश में होगा, हिंदी का क्वेश्चन है तो सिर्फ आपका हिंदी में होगा। तो उसके लिए आपको मीडियम चूज करना पड़ेगा। अगर आपके सब्जेक्ट में लैंग्वेज का क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपको मीडियम सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको मीडियम सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो LLB का पेपर है वो जनरल पेपर कोड के थ्रू होगा, तो उसमें लैंग्वेज के सेक्शन आता है, लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी, मीडियम आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस के पेपर में लैंग्वेज के क्वेश्चन नहीं आते, तो उसमें आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, वहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन दोनों ही मीडियम में होंगे, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। बाकी जो ऐसा पेपर है जैसे LLB का पेपर, उसमें लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं, बाकी क्वेश्चन भी आते हैं, तो बाकी क्वेश्चन जो है वो दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होंगे, उसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर का कोड यहाँ पे देखना है, किस कोर्स के लिए क्या पेपर कोड है। जैसे LLB की बात करें तो आपका पेपर कोड है COQP 11, इस तरह से आपको देखना है। इसी तरह से LLM की बात करें तो COQP 14 पेपर कोड है। बाकी अगर और भी देखें जैसे इंग्लिश की बात करें तो LAQP 01 पेपर कोड है। तो जिस भी सब्जेक्ट में आपको एग्जाम देना है उसका पेपर कोड आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले रजिस्टर के ऑप्शन पे जाना है, इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। सारी इन्फॉर्मेशन आप चाहो तो एक बार रीड कर सकते हो।
ये सारी इन्फॉर्मेशन आप एक बार रीड कर लो, फिर नीचे आके आपको इसको मार्क करना है और क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे आपको जाना है। अब यहाँ पे सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है, कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे रही। कैंडिडेट नेम, आपका नाम क्या है, आपके टेंथ की जो मार्कशीट है या टेंथ का जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर जो नाम आपको मेंशन किया हुआ है वही सेम नेम यहाँ पे आपको रखना है। फिर फादर्स नेम, मदर्स नेम, गार्जियंस नेम, डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है, जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, नेशनलिटी, आइडेंटिटी टाइप। आइडेंटिटी टाइप में आप ध्यान रखो कि जो आई कार्ड आप एग्जाम सेंटर पर लेके जाओगे वही आई कार्ड आप कोशिश करो कि यहाँ पे आप सेलेक्ट करो, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर वेरिफिकेशन नंबर, जो भी आपका आइडेंटिटी टाइप है उसका वेरिफिकेशन नंबर यहाँ पे डालना है। यहाँ पे आपका प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे डालना है। ध्यान रखो जो एड्रेस आप फिल कर रहे हो आपका एग्जामिनेशन सेंटर उसी के आसपास का शो होगा। जैसे मान लीजिए आपने दिल्ली का एड्रेस शो किया तो आपके एग्जामिनेशन जो वेन्यू होगा उसमें आपको तीन ही ऑप्शन, तीन ही स्टेट्स दिखाई देंगे, दिल्ली, हरियाणा और यूपी। इसी तरह से जो भी आप स्टेट सेलेक्ट करोगे अपना प्रेजेंट एड्रेस में उसी के आसपास आपको जो एग्जाम सेंटर है वो देने, वो आपको दिखाई देंगे। तो फॉर एग्जांपल मान लो अभी आप दिल्ली में रह रहे हो लेकिन एग्जाम आपको मान लो बिहार में देना है, वेस्ट बंगाल में देना है, कर्नाटका में देना है, तो जहाँ पे भी आपको एग्जाम देना है वहाँ का एड्रेस डालो तभी वहाँ का एग्जाम सेंटर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे आपको डालना है। फिर अगर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इसको आप क्लिक कर देना, दोनों में सेम आ जाएगा। नहीं अगर डिफरेंट है तो यहाँ पे आप डिफरेंट भी फिल कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, पासवर्ड आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, 8 से 13 करेक्टर का होना चाहिए, इसमें एक स्पेशल करेक्टर होना चाहिए। स्पेशल करेक्टर मतलब @#, ये सब एंड डॉलर वाला जो साइन होता है ये सारे साइन आपके स्पेशल करेक्टर्स होते हैं। इसके अलावा एक अपर केस करेक्टर यानी कि कैपिटल लेटर और दूसरा 1 लोअर केस करेक्टर यानी कि लोअर स्मॉलर लेटर और न्यूमेरिक वैल्यू सारे आपके होने चाहिए। तो ये आप पासवर्ड क्रिएट कर लोगे, एक सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ से चूज कर लो, उसका आंसर यहाँ पे फिल करो, फिर यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालना और इसको सबमिट कर देना। जैसे आप सबमिट करोगे आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, ठीक है, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी के थ्रू आपको फिर आगे प्रोसीड करना है। उस ओटीपी के थ्रू आप ओटीपी फिल करोगे, आगे आप प्रोसीड करोगे। अब देखो मैंने रजिस्टर यहाँ पे कर लिया तो हम सीधा साइन इन के ऑप्शन पे जाते हैं। यहाँ पे मैं साइन इन करके आपको आगे दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने लॉग इन कर लिया है। यहाँ पे आप देखो कंटिन्यू एप्लीकेशन पे आपको जाना है। अब यहाँ पे कौन कौन सी डिटेल्स आपको फिल करनी है, जो डिटेल्स आपने पहले फिल कर दिए वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी। बाकी डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। नाम आपको डालना है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, कैटेगरी। अब देखो ध्यान रखो कैटेगरी में यहाँ पे स्टूडेंट्स की क्वेरी आएगी कि क्या हमें अभी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। तो देखो आप कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, सर्टिफिकेट अभी आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सर्टिफिकेट अभी आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं है। जब आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे वहाँ का काउंसलिंग का फॉर्म फिल करोगे, जैसे अगर ड्यू की बात करें तो ड्यू में CSAS पोर्टल होता है, जब वो पोर्टल पे रजिस्टर आपको करना होगा उस समय आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी, अभी आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इसके अलावा एक क्वेरी स्टूडेंट्स की ये भी आती है कि हमारा जो सर्टिफिकेट है उसकी डेट क्या होनी चाहिए, तो डेट मैं आपको एक बार कन्फर्म करके यहाँ पे बता देता हूँ। वैसे तो आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट की डेट जो होती है वो 1 अप्रैल 2023 के अकॉर्डिंग अप्लाई होगी, यानी कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैंने आपके लिए ओपन कर दिया है, EWS कैटेगरी के 1 अप्रैल 2023 के बाद का, इसी तरह से NCL के लिए 1 अप्रैल 2023 के बाद का, बाकी SC ST के लिए तो लाइफ टाइम वैलिड होता है तो उसमें कोई डेट की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक डिटेल्स मैंने आपको बता दी। तो कैटेगरी आप सेलेक्ट करोगे, PWD कैंडिडेट हो या नहीं हो वो सिलेक्ट करना है, फादर्स नेम, फादर क्वालिफिकेशन, फादर ऑक्यूपेशन, मदर्स नेम, मदर क्वालिफिकेशन, मदर ऑक्यूपेशन, गार्जियंस नेम, एनुअल फैमिली इनकम, अगर आप ट्विन हो उसमें यस और नो करना है। अब ध्यान रखो यहाँ पे मैंने रैंडम कुछ भी इन्फॉर्मेशन फिल कर रखी है, आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, उसको वेरीफाई करना है, बार बार उसको चेक करना है कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप फिल ना करो। डोमिसाइल स्टेट आपको फिल करना है, डायबिटिक हो या नहीं है वो आपको फिल करना है, प्लेस ऑफ रेजिडेंस अर्बन है या रूरल है वो आपको चेक करना है, मोड ऑफ प्रिपरेशन यानी कि आपने अपनी तैयारी कैसे की है, सेल्फ प्रिपेयर किया है, कोचिंग लिया आपने, क्या लिया है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे चेक करनी है। इसके अलावा जो आपकी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है यानी कि जो आपकी ग्रेजुएशन है उसका मीडियम क्या है वो आपको चेक करना है। फिर आपको प्रेजेंट एड्रेस जो यहाँ पे फिल कर देना है, परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो वो भी यहाँ पे आप सेम में चूज़ कर सकते हो। इसके अलावा पॉवर्टी लाइन के नीचे हो तो यस और नो, कश्मीरी माइग्रेट, एक्स सर्विसमैन, ये अपने अकॉर्डिंग आपको चूज़ कर लेना है, NCC कोटा, स्पोर्ट्स कोटा, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है और इस पर आपको सेव के ऑप्शन पे जाना है। ये सेव करोगे उसके बाद फिर नेक्स्ट सेक्शन पे आपको जाना है। नेक्स्ट सेक्शन में आपको क्या है, रिजल्ट आपको यहाँ पे डालना है कि रिजल्ट पहले देखो यहाँ पे तीन आपको 10th
ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन, तीनों के मार्क्स और उसकी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। सबसे पहले टेंथ की यहाँ पे मार्क्स डिटेल्स आपको डालनी है। रिजल्ट स्टेटस, आप पास हो तो टेंथ और ट्वेल्थ में तो आप पास ही होंगे, हो सकता है आप ग्रेजुएशन में अभी आपका रिजल्ट ना आया हो तो उसमें आप अपीयरिंग डाल सकते हो। पासिंग ईयर, क्वालिफाइंग एग्जाम, बोर्ड नेम, कॉलेज का नाम या स्कूल का नाम, पिन कोड, रोल नंबर, रिजल्ट मोड और फिर आपकी मार्क्स जो हैं वो यहाँ पे आपको फिल करने हैं। इसी तरह से ट्वेल्थ के अंदर भी रिजल्ट स्टेटस, पासिंग ईयर, क्वालिफाइंग एग्जाम, बोर्ड का नाम, बाकी स्कूल कॉलेज का नाम, रिजल्ट में मार्क्स कितने, वो सारी चीज़ें आपको डालनी है। सेम इसी तरह से जो ग्रेजुएशन की डिटेल्स है उसमें भी आपको डालना है। यहाँ पे अगर आप पास नहीं हो तो इसमें आप अपीयरिंग डाल सकते हो, और किस ईयर में आप पास हो तो मोस्ट प्रोबेबली 2024 में, तो वो आपको फिल करना है। रोल नंबर वगैरह डाल के इसको आपको सेव कर देना है। और नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट पे आपको आगे बढ़ना है। अब देखो यहाँ पे सिटी प्रेफरेंस आपको चूज़ करनी है। सिटी प्रेफरेंस किस लिए है, आपका एग्जाम सेंटर ये आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पे दो प्रेफरेंस दी गई है, पहले तीन प्रेफरेंस दी जाती थी लेकिन अब दो ही है। अब देखो जैसे मैंने दिल्ली का एड्रेस डाला है तो तीन ऑप्शन यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, दिल्ली, हरियाणा और यूपी। जैसे मैं दिल्ली चूज़ कर लेता हूँ तो दिल्ली में ये एक ऑप्शन आ रहा है, ये मैंने चूज़ कर लिया। फिर मैंने सेकंड हरियाणा चूज़ किया तो इसमें फरीदाबाद का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं यूपी चूज़ करता तो इसमें और भी ऑप्शन आएंगे, जैसे गाज़ियाबाद, मेरठ और नोएडा, यानी कि दिल्ली के पास वाले जो सेंटर से वही आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि यूपी में आपका ईस्टर्न यूपी का आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना है। अभी के लिए मैं यहाँ पे फरीदाबाद चूज़ कर लेता हूँ, उसको सेव कर लेता हूँ। फिर आपको नेक्स्ट सेक्शन पे जाना है। अब देखो इसमें ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसमें क्या करना है, इसमें आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पे रिमूव करके एक बार दोबारा आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ किस तरह से सेलेक्ट करनी है। अब देखो एक यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, जो यूनिवर्सिटीज़ के नेम है उसके अंदर BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU, इन दोनों के ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। अब क्या ये दोनों यूनिवर्सिटी CUET PG से हट गई है या अपना अलग एंट्रेंस करवाएंगे या बाद में यहाँ पे ऐड होगी, तो इसका भी कुछ कंफर्म नहीं कर सकते। जैसे इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अभी के लिए मैं आप सजेस्ट करूंगा कि आप कुछ दिन रुक जाओ, हो सकता है कि इसमें कुछ अपडेशन हो तो उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करो। अभी के लिए यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ड्यू का ऑप्शन तो मिल जाएगा, जैसे आप देखोगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा आपको, लेकिन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। इसी तरह से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों यूनिवर्सिटी अब यहाँ पे क्यों नहीं है, क्या इसमें ऐड होंगी या नहीं होंगी, उसके ऊपर अपडेट नहीं है। जैसे कोई अपडेट आती है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। अभी के लिए जैसे मैंने आपको बताया, अभी के लिए ड्यू का ऑप्शन तो इसमें आ रहा है लेकिन BHU और JNU का ऑप्शन इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं ड्यू का एक ऑप्शन आपको चूज़ करके दिखाता हूँ कैसे आपको यूनिवर्सिटीज़ ऐड करने। जैसे मान लो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया, और यहाँ पे प्रोग्राम में बात करें तो मान लो मुझे LLB में एडमिशन लेना है तो मैंने LLB चूज़ किया, ठीक है। अब जैसे ही इसको आप ऐड करोगे ये आपका एक पेपर ऐड होगा कि इसका एग्ज़ाम आप देना चाहते हो, यानी कि ड्यू में आप एडमिशन लेना चाहते हो LLB के अंदर। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में भी LLB में एडमिशन लेना चाहते हो तो वो यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे आपको ऐड करनी पड़ेगी। तो ये रिसर्च आपको पहले से करके रखनी है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में किस किस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, उसको आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए एप्लीकेबल हो पाओगे, एलिजिबल हो पाओगे, ठीक है। इस बार काफ़ी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी ऐड कर देंगे, जैसे यहाँ पे देखोगे आप अमेठी यूनिवर्सिटी नोएडा यहाँ पे ऐड कर दी गई हो। इसमें मान लो LLB में ही मुझे एडमिशन लेना है तो LLB ऑनर्स यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, इसको ऐड करोगे तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, जैसे मान लो DU में और भी कोर्सेज है उसमें मुझे एडमिशन लेना है, जैसे मान लो MA फिलोसफी में मुझे एडमिशन लेना है तो इसको मैंने ऐड कर दिया तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो जिस भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जिस भी कोर्सेज के अंदर आपको एडमिशन लेना है या एडमिशन लेने के आप इच्छुक हो, वो सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको यहाँ पे एक एक करके ऐड करनी है। जो पेपर कोड है वो आपके मैक्सिमम 4 हो सकता है, यूनिवर्सिटीज़ आप अनलिमिटेड यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। बस जो पेपर कोड है वो मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे CUQP 11 दो कोर्सेज के लिए, ठीक है। तो ये आपका एक ही काउंट होगा। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ इस तरह से आप ऐड कर लोगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे जाना है। अब देखो ये तीन यूनिवर्सिटीज़ आपने ऐड कर ली, अब आपको क्या करना है, अब इसके पेपर कोड सेलेक्ट करना है। सबसे पहले क्या है, CUQP 11 का जनरल पेपर कोड आपने सेलेक्ट कर लिया, फिर आपको मीडियम सेलेक्ट करना है। देखो जनरल पेपर कोड जो आपका LLB के लिए है उसमें आपके लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए यहाँ पे मीडियम का ऑप्शन है। जिस जो मीडियम आप चूज़ करोगे लैंग्वेज के क्वेश्चन उसी मीडियम में होंगे, बाकी सारे क्वेश्चन बायलिंगुअल। लेकिन अगर यहाँ पे फिलॉसफी की बात करें, MA फिलॉसफी है, HUQP 16 यहाँ पे पेपर कोड है, इसमें यहाँ पे मीडियम का ऑप्शन नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि जो फिलॉसफी के क्वेश्चंस होंगे उसमें लैंग्वेज तो नहीं आती, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके क्वेश्चंस होंगे, तो वहाँ पे लैंग्वेज या मीडियम ऑफ पेपर आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जितने भी आपके पेपर है अप टू 4 पेपर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। अगर मान लो आपको 2 ही सेलेक्ट करने या 1 ही सेलेक्ट करना तो बाकी में आप नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे फिल कर सकते हो। यहाँ पे आपको सेव पे जाना है, फिर प्रोसीड टू नेक्स्ट पे आप जाओगे
अब यहाँ पे देखो आपको फोटोग्राफ अपलोड करनी है और सिग्नेचर अपलोड करना है। ध्यान रखो फोटोग्राफ जो आप अपलोड कर रहे हो उसके अंदर 80% के आसपास आपका फेस का कवरेज होना चाहिए, पीछे बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और फेस आपका क्लियर दिख रहा हो, सिग्नेचर भी आपका क्लियर होना चाहिए। फॉर्मेट क्या हो सकता है, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में आप डाल सकते हो। फोटो की जो साइज होता है वो 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में हो सकता है और जो सिग्नेचर है उसकी साइज आपकी 4 KB से लेकर 30 KB के बीच में हो सकता है। ठीक है, इसको प्रोसीड पे आप जाओगे। अब देखो ये पूरा फॉर्म आपका फिल हो चुका है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे एक एक करके सारी चीज़ें आपको चेक कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे पर्टिकुलर्स को वेरीफाई करना है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने ठीक फिल करी है, इसको आप वेरीफाई करो और यहाँ पे इसको टिक भी करना कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी सही है, इसमें से कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आपकी नहीं होनी चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे एक एक करके फिल करो। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे आपको जाना है। ठीक है, ये प्रोसीड टू पेमेंट पे जाते ही आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे आ जाएगी। ध्यान रखो अगर आपने ईमेल वेरीफाई नहीं किया तो प्रोसीड टू पेमेंट पे जाने पे कि पहले आपको ईमेल वेरीफाई करवाया जाएगा, वो आप वेरीफाई करवा लेना। उतनी चीज़ें आप कर सकते हो, जहाँ जहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती थी वो सारी मैंने क्लियर करने की कोशिश यहाँ पे कर दी। अब देखो यहाँ पे दो पेमेंट गेटवे हैं, एक SBI का या दूसरा HDFC का, दोनों में से किसी पे भी आप जा सकते हो। जैसे SBI पे हम जाते हैं तो देख सकते हो नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट और UPI वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे है। किसी भी मेथड से आप जाके अपनी पेमेंट यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, आप पेमेंट करके यहाँ पे चार्जेस भी लिखे हुए हैं कि किस में कितने चार्ज लगेंगे। क्रेडिट कार्ड में आप देख सकते हो चार्जेस हैं, बाकी डेबिट कार्ड वगैरह में यहाँ पे चार्जेस नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग आप पे कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं पे करके आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मेरे को एक्चुअल में फॉर्म फिल करना नहीं, तो मैं पे नहीं करूँगा। बाकी मैंने पूरा प्रोसीजर आपको बता दिया किस तरह से पेमेंट आपको करनी है। कोई भी मेथड आप यूज़ करो, जैसे यहाँ पे मैं आपको ये बात करके दिखा देता हूँ। UPI की बात करें तो देख सकते हो UPI में इस तरह से आपको या तो आप UPI ID यहाँ पे डाल दो या फिर QR कोड पे यहाँ पे जाओ तो QR कोड आपको शो हो जाएगा, यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आप पेमेंट करो और उसके बाद आपका एप्लीकेशन प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा। और कोई आपकी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। बाकी जो CUET PG के अंदर चेंजेस हुए हैं उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाने की ट्राई करूँगा। किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। फॉर द टाइम बीइंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।